गुड मॉर्निंग क्लास। इसके पहले हमने क्लासेस मोटी इक्वेशन पढ़ा। अब क्लासेस मोटी इक्वेशन जो था वो पोलराइजेशन के लिए दिया गया था, ठीक है? तो पोलराइजेशन का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन पोलराइजेशन, ठीक है? देखो, हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर के। तो हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। O2, CO2, N2, ये सभी के सभी कैसे होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। और ये सभी क्या होते हैं? इनडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये सभी के सभी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आपके HCl हो गए, CH3Cl हो गया, HF हो गया, इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या करती है? वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब अगर इसका डायपोल देखें तो ये कुछ इस तरह से आते हैं। डायपोल इनका कुछ इस तरह से आता है। ये जो होते हैं ये परमानेंट डायपोल होते हैं, क्योंकि परमानेंट है तो इन पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक? अब हमें क्या करना है, हमें कई ढेर सारे पोल लेने हैं और इनको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देना है। तो हमने क्या किया, कई ढेर सारे डाइपोल्स लिए और इनको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। दो प्लेट्स लाए, ये नेगेटिव पोल और ये पॉजिटिव पोल, या प्लेट बोल सकते हैं इनको। और ढेर सारे हमने क्या ले लिए, डाइपोल्स ले लिए। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दो काम कर रही है। सबसे पहले ये जितने डायपोल्स थे इन सबको ओरिएंटेट कर दे रही है, अरेंज कर दे रही है एक ऑर्डर में, और दूसरा इनको और ज़्यादा पोलराइज कर दे रही है, ठीक है? तो ओरिएंटेशन मतलब अरेंज करने के लिए इनको किसी ना किसी एंगल में क्या करना पड़ता है, रोटेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो टोटल फील्ड लगाई गई वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, ठीक है? क्या हो गई? दो पार्ट में डिवाइड हो गई। कौन कौन से? जो टोटल पोलराइजेशन था उसमें क्या हुआ, एक तो ओरिएंटेशन में यूज हुआ थोड़ा पार्ट, और थोड़ा पार्ट इसको और ज़्यादा पोलराइज करने में या फिर इंड्यूस करने में इन डाइपोल को। इसको बोलेंगे पोलराइजेशन, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन, इसको बोलेंगे इंड्यूस पोलराइजेशन। मैंने क्या बोला था, इन सभी डाइपोल्स को सबसे पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अरेंज करता है, एक ओरिएंटेशन में लगाता है, इसलिए ये ओरिएंटेशन पोलराइजेशन हो गया। और उसके बाद इसको और भी ज़्यादा पोलर बनाता है तो ये इंड्यूस पोलराइजेशन हो गया। तो PT की वैल्यू किसकी किसकी इक्वल हो गई, PO+PI। अब क्लासियस मोटी इक्वेशन क्या था, ये था आपका PT=2। क्या था, देखो टोटल पोलराइजेशन क्या है आपका, PO+PI। और जो क्लासियस मोटी इक्वेशन था वो क्या था, P=, क्या था, D-1/D+2m/ρ। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? आप आते हैं इंड्यूस के टर्म में, ये जो इंड्यूस है इसके टर्म में आते हैं। तो क्लासियस मोटी इक्वेशन में हमने क्या देखा था, क्लासियस मोटी इक्वेशन में क्या था, D-1/D+2, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है? एम मास है और रो आपकी डेंसिटी है। इक्वल टू किसके इक्वल था, 4/3 πN(α), ठीक है? या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, D-1/D+2m/ρ=, क्या हो जाएगा, PI और PD। ये हमने निकाला था किससे, क्लासियस मोटी इक्वेशन से हमने निकाला था। तो यहाँ से हम PI=, क्या लिख सकते हैं, PI के वैल्यू, देखो ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो हम यहाँ से PI की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 4 PI की वैल्यू इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो हम PI की वैल्यू इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो हम PI की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 4/3 πN(α). ओरिएंटेशन पोलराइजेशन की बात करें, ये तो हमारा इंड्यूस पोलराइजेशन निकल आया।
अब हम ओरिएंटेशन पोलराइजेशन की बात करें तो इसको डिबाई ने निकाला था। डिबाई ने बोला था जो पी ओ होता है ये इक्वल होता है 4/3 पाई एन फिर म्यू स्क्वायर अपॉन 3 KT। अल्फा की जगह इन्होंने डिबाई ने ये टर्म यूज की थी। अब हमारे पास देखो पी आई की भी वैल्यू निकल आई, पी ओ की भी वैल्यू निकल आई, तो हम टोटल पोलराइजेशन निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो हम क्या लिख सकते हैं, जब हम पी आई और पी ओ की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, पुट द वैल्यू ऑफ पी आई एंड पी ओ इन टू द इक्वेशन नंबर वन, हमें क्या मिलेगा, पी टी इज इक्वल टू डी माइनस 1/D+2 m/ρ। ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ओ प्लस पी आई। ये ओरिएंटेशन के लिए था, ये इंड्यूस के लिए था। तो हम क्या लिख सकते हैं, पी ओ की वैल्यू क्या निकल के आई, ये आई है, और पी आई की वैल्यू ये निकल के आई है। तो पहले हम पी ओ की वैल्यू लिखेंगे 4/3 पाई एन म्यू स्क्वायर अपॉन 3 KT प्लस आई की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा, ये है 4/3 पाई एन इंटू का अल्फा। ठीक है, ये तो मेरे पास क्या निकल के आ गई, टोटल पोलराइजेशन की वैल्यू आ गई। क्योंकि जब मैंने इसे फील्ड में रखा था तो डाइपोल, ये जब मैंने इस डाइपोल्स को फील्ड में रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 वर्क में डिवाइड हुआ था। पहले इसको सारे डाइपोल्स को इन्होंने एक अरेंज फॉर्म में ओरिएंटेशन में रखा था, अरेंज कर दिया था, दूसरा उसको और पोलर कर दिया था। तो टोटल पोलरिटी हमारी यहाँ से निकल के आ गई, पोलराइजेबिलिटी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब इसी इक्वेशन से हम वेरियस मेथड के थ्रू डायपोल मोमेंट को निकालेंगे। इसी इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे वेरियस, और इसी इक्वेशन से हम वेरियस मेथड के थ्रू डायपोल मोमेंट को निकालेंगे। अब चलिए उसकी बात करते हैं। पीटी की वैल्यू हमने निकाल ली, अब हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स में उसको यूज़ करते हैं उस इक्वेशन को। तो सबसे पहला मेथड हम लेते हैं वेपर प्रेशर, वेपर टेम्परेचर मेथड, वेपर टेम्परेचर मेथड। हमने जो इक्वेशन निकाली थी क्या निकाली थी, पी टी इज इक्वल टू डी माइनस 1/D+2 m/ρ इज इक्वल टू क्या निकाला था, 4/3 पाई एन म्यू स्क्वायर अपॉन 3 KT प्लस में 4/3 पाई एन इंटू अल्फा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है टी को छोड़ के, ये भी कांस्टेंट है, और ये जो वैल्यू है ये भी क्या है, ये भी पूरी की वैल्यू है आपकी क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो पोलराइजेशन के साथ क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो हम इस पूरे टर्म को पी टी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बी, क्योंकि ये टी है, टी नीचे है, तो टी हमने, क्योंकि टी कांस्टेंट नहीं था तो टी को हमने एज इट इज लिख लिया, प्लस ये पूरा कांस्टेंट है तो इसकी जगह हमने ए ले लिया। अब ये जो इक्वेशन आ रही है ये कुछ इस तरह आ रही है, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx+c। ठीक है बेटा, डैट मीन्स वाई एक्सेस पे आपका क्या है, पी टी है, और एक्स एक्सेस पे आपका क्या है, बी अपॉन टी है। क्लियर, तो यहां से अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं कुछ इस तरीके से, इसको मैं पी टी मान लूं और इसको मैं 1/T मान लूं बी 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 के लिए। ठीक है, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। तो क्योंकि ये जो इक्वेशन, ये कैसी इक्वेशन, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो यहाँ पे जो हमें लाइन मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो
ये जो मिला हमको ये CH3 मॉलिक्यूल के लिए मिला, जब ऑब्जर्व किया गया देखा गया, ये जो मिला ये हमें HCl के लिए मिला, और एक स्ट्रेट लाइन मिली बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, जो कि आपकी CH4 नॉन पोलर के केस में हमको मिली। क्लियर? अब क्योंकि इस मॉलिक्यूल का परमानेंट डाइपोल है, तो मैं इसमें ये जो म्यू स्क्वायर है, म्यू स्क्वायर को क्या करती हूँ, कैलकुलेट करती हूँ। ठीक है बेटा, इस म्यू स्क्वायर को मैं क्या करती हूँ, कैलकुलेट करती हूँ। यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये पूरी की पूरी वैल्यू 4/3 πN μ² / 3, टी तो हटा ही दो, ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है ये किसके इक्वल है, ये है आपके बी के इक्वल। टी को हटा दो, टी तो क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, तो ये जो ये पूरी की पूरी वैल्यू है टी को छोड़ के, ये किसके इक्वल है, हमारे बी के इक्वल है। ठीक है बेटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू 4 एज इट इज लिखेंगे, πN μ² ये 3 है तो अपॉन में क्या हो जाएगा, 9 K, टी हमने छोड़ दिया है। अब इस म्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ये किसके इक्वल था, बी के इक्वल था, इस म्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू √, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी ये वैल्यू नीचे चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, 9 KB अंदर चला जाएगा, 9 KB/4πN। यहाँ पे बी को छोड़ के सारी टर्म्स क्या है, कांस्टेंट है, और अगर इस कांस्टेंट की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो ये आता है म्यू इज इक्वल टू 0.0218, क्योंकि बी हमने छोड़ दिया तो बी अंडर रूट ही रहेगा, × 10⁻¹¹। यहाँ हमने म्यू की वैल्यू निकाली किसके टर्म में, इन टर्म ऑफ बी। और ये जो बी था वो किसके बराबर था, एम एक्स के बराबर था। ठीक है, तो एम एक्स क्या होता है, ये एक स्लोप होता है। ठीक है बेटा, एम एक्स हमारा क्या होता है, एक स्लोप होता है। अब इन लाइन और जो ग्राफ हमने कुछ इस तरह से बनाया था, ये हमने ग्राफ बनाया था, और ये क्या होते हैं, एक स्लोप होते हैं सभी बेटा। ठीक है, तो इनसे हम क्या निकाल सकते हैं, इन स्लोप से हम क्या निकाल सकते हैं, बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, और जब हमें बी की वैल्यू इन स्लोप से मिल जाएगी तो उस बी की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, और पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, इस म्यू की वैल्यू को आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जब ये म्यू की वैल्यू निकल आएगी तो इसको हम रिलेट करेंगे किसी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से। ये जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हम रिलेट कर रहे हैं, इसको इस डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को हम लेते हैं इन टर्म ऑफ वॉक्यूम ट्यूब। इस डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को, ये जो डी होता है, इसको हम लेते हैं वॉक्यूम ट्यूब के टर्म में पढ़ते हैं, वॉक्यूम ट्यूब के टर्म में लेते हैं। क्या होता है बेटा, एक सब्सटेंस और वॉक्यूम की जो कैपेसिटी आएगी हमारे पास, उसी के रेशियो को हमने डी के फॉर्म में क्या किया है, लिखा है। तो इस तरह हम वैल्यू निकाल लेंगे डाइपोल मोमेंट की। इस डी को हम क्या लिख सकते हैं, C/C₀। ठीक है बेटा, अब दूसरा मेथड आता है हमारा रिफ्रैक्शन मेथड। दूसरा जो मेथड है वो है रिफ्रैक्शन मेथड। रिफ्रैक्शन मेथड अब इस रिफ्रैक्शन मेथड को यूज करके मैं क्या निकालूंगी, पोलराइजेशन। पहले में हमने कौन सा लिया था, वेपर टेम्परेचर मेथड लिया था, जिसमें हमने जो म्यू की वैल्यू निकाली थी उसको हमने रिलेट किया था किससे, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डी से, और ये डी जो था हमने क्या किया था, इस डी को हमने वैक्यूम ट्यूब के टर्म में पढ़ा था, जो हमारा डी क्या था वो किसके इक्वल था, C/C₀ के। यहाँ हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन मैथड। इस रिफ्रैक्शन मेथड को यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, पोलराइजेशन निकाल सकते हैं। तो हमें पता है क्लासेस मोटी इक्वेशन क्या था हमारा, PIR PD
इज इक्वल टू क्या था, डी माइनस वन अपॉन डी प्लस टू इंटू में एम अपॉन रो, ये किसके इक्वल था, 4/3 पाई एन इंटू में एल्फा। ठीक है, जेसी मैक्सवेल ने बताया कि जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते हैं वो कई बार कुछ सब्सटेंस डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से कई बार कुछ सब्सटेंस को फाइंड आउट करना इजी नहीं होता, इसलिए इस डी को उन्होंने रिप्लेस कर दिया था किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, इसीलिए इस मेथड का नाम पड़ा रिफ्रैक्शन मेथड। ठीक है, इन्होंने इस डी को, ये जो डी था उसको रिप्लेस किया था किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है इससे। ठीक है, तो जब मैं इसको इससे रिप्लेस करूँगी तो हमारी ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, पी आई और पी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी की जगह हम ये वाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू रखेंगे, एम अपॉन रो इज इक्वल टू 4/3 पाई एन इंटू में एल्फा। ठीक है बेटा, अब यहाँ से अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ जाए तो इससे पोलराइजेशन आ जाएगी और इसी की हेल्प से ये जो आपकी म्यू की वैल्यू है वो भी, डायपोल की जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सबसे पहले स्टडी किया था विजिबल लाइट में। अब विजिबल लाइट में क्या प्रॉब्लम आई, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसमें कुछ ना कुछ हद तक क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। हमें पता है जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके सराउंडिंग क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है बेटा, इस अब जो एटम का वेट होता है वो सारा का सारा वेट कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस पे होता है, तो इसके कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं वो क्या होते हैं, वो हल्के होते हैं, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियाई हैवी होता है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होते हैं, हल्के होते हैं। जब हमने नॉर्मल लाइट में इसको यूज़ किया था तो नॉर्मल लाइट में ये इलेक्ट्रॉन का तो डिस्प्लेसमेंट कर रहा था लेकिन न्यूक्लियाई का डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पा रहे थे। अब जो टोटल डिस्टॉर्शन आई थी वो किसकी वजह से आई थी, टोटल जो डिस्टॉर्शन आई पोलराइजेशन में वो किसकी वजह से आई बेटा, पीई प्लस पी ए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का हो गया, ये एटम हो गया, यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन और एटम दोनों की पोलराइजेशन क्या करनी थी, स्टडी करनी थी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का हो रहा था, एटम का नहीं हो रहा था क्योंकि एटम यहाँ पे क्या था, हैवी था। ठीक, जब आई आर को लिया गया तो उसके साथ न्यूक्लियाई का डिस्प्लेसमेंट देखा गया तो उस आई आर के साथ इंफ्रारेड लाइट के साथ न्यूक्लियस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, लेकिन आई आर के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं था, इसलिए अलग अलग लाइट को यूज़ किया गया। बाद में विजिबल लाइट से सारी की सारी प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व हो गई। विजिबल लाइट की हमने कौन सी लाइन ली थी, विजिबल लाइट की हमने डी लाइन को क्या किया था, यूज़ किया था। ठीक है, और आसानी से जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट था पीई वो क्या किया था, फाइंड आउट कर लिया था। और ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट आया उसके बाद जब हमने एटम का डिस्प्लेसमेंट देखा तो उसमें क्या किया हमने कि एटम की जो भी वैल्यू निकालेंगे उसमें हमने 5% क्या कर दिया, ऐड कर दिया, किसको, पीई को ऐड कर दिया, 5% पीई को ऐड कर दिया तो हमारी किसकी वैल्यू निकल आई, पीए की वैल्यू, जो वैल्यू आई उसमें हमने 5% पीई क्या कर दिया है, यूज़ कर दिया है, 5% पीई को भी यूज़ कर दिया तो हमारी क्या निकल आई, एटम की वैल्यू निकल आई। अब पी ई एंड पी ए की वैल्यू को हम क्या करें, पी टी में पुट कर दे, जैसे देखो हमारे पास क्या था, पी आई और पी डी, जो टोटल पोलराइजेशन था वो क्या था हमारा, इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन प्लस एटम का पोलराइजेशन। ठीक है, और जो हमने टोटल पोलराइजेशन पी टी की वैल्यू निकाली थी वो क्या थी हमारी, पी ओ प्लस पी डी, डी की वैल्यू क्या निकल के आई है, पी ई
अपॉन प्लस पी ए, और जो हमारा पी ओ था ये हमने पहले निकाला था, ये किसके इक्वल था, 4/3 पाई एन म्यू स्क्वायर अपॉन 3 के। ठीक है बेटा, अब देखो पीओ की भी वैल्यू हमें पता हो गई है, पीडी की भी वैल्यू पता हो गई है। इस पीटी में इन दोनों की वैल्यू को क्या कर दें, पुट कर दें, तो पीटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पीटी इज इक्वल टू, देखो पीओ पीओ की वैल्यू ये निकल है और पीडी की वैल्यू ये है, तो थोड़े टाइम के लिए पीडी एज इट इज लिख लो, प्लस पीओ की वैल्यू क्या निकल के, 4/3 पाई एन म्यू स्क्वायर अपॉन 3 के। ठीक है बेटा, अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से हम लिख सकते हैं पी टी माइनस पी डी, पी डी को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 4/3 पाई एन म्यू स्क्वायर अपॉन 3 के, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट थी और इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद जो म्यू की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.0128। ठीक है, और ये एज इट इज रहेगा, ये टी एज इट इज है, ठीक है, क्योंकि ये म्यू स्क्वायर और ये म्यू की वैल्यू आई है, तो इसको हम इधर लिए जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका, इंटू में पी टी माइनस पी डी, क्योंकि ये यहाँ डिवाइड था, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब यहाँ हमको पीटी भी पता है, पीडी भी पता है, तो अब हम आराम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। पीटी की भी वैल्यू हमें पता है, पीडी की भी वैल्यू हमें पता है, और म्यू हमने निकाल ही लिया है, तो आसानी से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा मेथड है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन मेथड, तीसरा मेथड है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन मेथड। देखो इस मेथड में, देखो क्लासेस मोटी क्वेश्चन में जो एम था, ठीक है, उसकी जगह हम क्या लेते हैं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे लेते हैं, m1 x1 प्लस m2 x2, ऐसे ऐसे हम लेते हैं। ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन मेथड में हमने m की जगह मोल फ्रैक्शन यूज़ किया, क्योंकि हम सॉल्यूशन के टर्म में बात कर रहे हैं, तो अब हम पी डी की जगह पी एस यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, डी माइनस वन अपॉन डी प्लस टू, ये तो एज इट इज था। एम की जगह हमने, एम की जगह क्या लिया है, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन क्या हो जाएगा, रो। अब एक बार हम इस पूरी वैल्यू को लेंगे और एक बार हम इस पूरी वैल्यू को इसके साथ लेंगे, तो क्या निकल के आएगा हमारा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 p1 प्लस x2 p2। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को हमने x1 p1 कंसीडर किया, और जब इसके साथ लिया तो इस पूरी वैल्यू को हमने p2 कंसीडर किया, x एज इट इज पड़ा है। ठीक है, अब देखो अब हमें यहाँ पे किसी भी सॉल्यूशन के लिए x1 p1 x2 p2 की वैल्यू निकालनी है और उसे पुट करना है, और आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर पोलराइजेशन किसके लिए, किसी भी सॉल्यूशन के लिए। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, ये तो हो गया डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, अब आता है एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। थैंक यू।